अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लफ्ज़ मनाज़रा ये आपने सुना होगा और शायद आप इसके बारे में जानते भी हों, लेकिन अगर आप नहीं जानते तो मैं इसका मुख्तसर तारुफ आपको करवा देता हूँ कि दो मुख्तलिफ़ अकायद के उलमा के दरमियान बहस मुबाहसा, बातचीत या गुफ्तगू या एक दूसरे के अकायद का दिफा करना, इसको हम मनाज़रा बोलते हैं। इसके ऊपर मैं पहले भी दो वीडियोज़ बना चुका हूँ, उसमें भी आपको मनाज़रे के बारे में खूब पता चल जाएगा। इससे पहले कि मैं इस मुनाज़रे के मुतालिक आपको पूरी डिटेल से बताऊं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली मुनाज़रों के ऊपर जो वीडियो है वो आप तक पहुंचती रहे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो तभी आपको ये वीडियोस मिल सकेंगी। जी तो नाज़रीन, मुल्क के दो नामवर उलमाए कराम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और मुफ्ती तारिक मसूद कराची वाले, इन दोनों का ताल्लुक जो है वो मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र से है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब जो हैं वो अपने आप को देवबंद ज़ाहिर करते हैं, देवबंद मसालिक का कहते हैं, और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो हैं वो अपने आप को तमाम तर मसालिक से जुदा समझते हुए सिर्फ़ अपने आप को मुसलमान कहलवाना पसंद करते हैं। तो नाज़रीन, इन दोनों उलमाए कराम के दरमियान सोशल मीडिया पर काफ़ी दिनों से एक डिबेट जारी थी। एक क्लिप वायरल हुआ था जिसमें समझ लें इस चीज़ की इब्तदा हुई थी। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, आपको पता है कि वो थोड़े से बोल्ड हैं, बड़ा खुलकर बोलते हैं, तो उनके ऊपर एक क्लिप आया था मुफ्ती तारिक मसूद साहब का। उन्होंने कहा था कि अगर इसको एक मिनट, यानी कि सिर्फ एक मिनट मेरे सामने बिठा दें तो ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा, ये क्लिप बनाने के काबिल नहीं रहेगा। इस पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का जवाब जो है वो थोड़ा सा लेट आया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मुझे आपका ये चैलेंज जो है वो एक्सेप्ट है, आप आएँ तो आकर हमारे साथ मनाज़रा करें, मनाज़रा नहीं यानी कि डिबेट करें। आपको पता है कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो हैं वो मनाज़रों के ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि मनाज़रों की हिस्ट्री जो है वो कुछ हमारे यहाँ अच्छी नहीं रही। ये मनाज़रों का जो दौर था 80s का, 70s का, इसमें बड़े मनाज़रे हुआ करते थे। मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र के उलमाए कराम जो हैं वो किताबों का ढेर लेकर एक दूसरे के आमने सामने बैठा करते थे और मनाज़रे हुआ करते थे। ये एक अलग बात है कि उन मनाज़रों का रिज़ल्ट जो है वो हमेशा से सिफर रहा था। उसके बाद 90s में मनाज़रों के ऊपर जो है वो इख्तलाफात इतने ज़्यादा बढ़ गए कि कत्लो गारत के जो हैं वो लोग कत्लो गारत एक दूसरे की करना शुरू हो गए, जिसके ऊपर हुकूमत ने इन तमाम तर इकदामात को देखते हुए इसके ऊपर पाबंदी का फ़ैसला कर दिया। लेकिन दौर बदला, कुछ दिन मनाज़रों का ये सिलसिला जो है वो बंद रहा, लेकिन अब सोशल मीडिया का दौर है तो अब हर बंदे को जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर आज़ादाना तौर पर अपनी आवाज़ उठाने का हक है। जिस तरह मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, आप भी अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, हर कोई अपनी आवाज़ उठा सकता है। तो इस दौर में इन दोनों उलमाए कराम के दरमियान बड़ी जो है वो मैं इसको इंटरेस्टिंग गुफ्तगू ही कहूँगा, क्योंकि दोनों उलमाए कराम जो हैं वो एक दूसरे के ख़िलाफ़, वो वाले मनाज़रे जो किसी दौर में हुआ करते थे उसके ये दोनों ही ख़िलाफ़ हैं। ये चाहते हैं कि आप वहाँ पर आएँ, आप 10 मिनट की गुफ्तगू करें, फिर हम 10 मिनट की गुफ्तगू करेंगे, उसका जो रिज़ल्ट निकलेगा वो हम आवाम के सामने रखेंगे और आवाम उसके बाद खुद फैसला करेगी कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। तो नाज़रीन, ये मनाज़रा कब होने जा रहा है, कहाँ होने जा रहा है, ये सवाल सबसे इंटरेस्टिंग है। दोनों तरफ के जो लोग हैं वो इसके बारे में सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि यार ये मनाज़रा आखिरकार कब होने जा रहा है। तो आज संडे है, 30 मई है, आज 2 बजे का टाइम इन दोनों उलमाए कराम के दरमियान रखा गया था सोशल मीडिया के ऊपर। ये मुबैना तौर पर मैं कह रहा हूँ, इस बात की कोई तस्दीक नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पर दोनों के जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने अपने पेजेस के ऊपर, अपने जो यूट्यूब चैनल्स हैं उनके ऊपर, अपनी फेसबुक के ऊपर, फेसबुक वॉल के ऊपर ये लगाया हुआ था कि दोनों के दरमियान जो है वो मुनाज़रा तय पा गया है और ये मुनाज़रा आज के दिन होने वाला है। नाज़रीन, मकसद ये है इस बात करने का कि फ़र्ज़ करें अगर इनके दरमियान मुनाज़रा हो भी जाता है तो आप क्या समझते हैं कि इसका रिज़ल्ट निकल पाएगा? क्या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो हैं वो अपने अकायद को छोड़कर मुफ्ती तारिक मसूद यानी कि उलमाए देवबंद की तरफ हो जाएंगे, या फिर मुफ्ती तारिक मसूद साहब जो हैं वो अपने मसलक को छोड़कर इनके मसलक की तरफ हो जाएंगे? तो यहाँ पर मैं अपनी थोड़ी सी ज़ाती राय देना चाहूँगा। जैसा कि मैं, आपको पता है कि मैं हर जो है वो इशू पर अवामी राय पेश करने के बाद अपनी राय ज़रूर देता हूँ। मुझे लगता है कि इसका रिज़ल्ट भी जो है वो सिफर आने वाला है। अब मुबैना तौर पर यह कहा जाता है कि उलमाए देवबंद जो हैं उनके, जिनके ये पैरोकार हैं मौलाना अशरफ अली थानवी साहब,
उन्होंने अपने नाम का कलमा पढ़वाया था जिसमें अशरफ अली रसूल अल्लाह कहा था। ये मैं नफ़रत की या आग फैलाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि तमाम मसालिक के जो लोग हैं वो एक जगह पर बैठें, उम्मत मुस्लिमा इकट्ठी हो और उम्मत मुस्लिमा मजबूत हो। इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर इस इन अल्फाज के बाद अशरफ अली रसूलुल्लाह के बाद जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के जो फॉलोअर्स हैं वो इनको रगड़ा लगा रहे हैं, देखें जी आप इस चीज़ का कैसे दिफा करेंगे। तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब का भी इसके ऊपर बयान आया है कि ये जो है वो मुबैना तौर पर ये इल्ज़ाम लगाया गया है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की जानिब से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये ख्वाब था, वो आप देख लीजिएगा आपको बेहतर मालूम हो जाएगा। नाज़रीन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस वक्त इस मुल्क को मनाज़रों की ज़रूरत है? हर बंदा जो है वो पढ़ा लिखा है, आप खुद किताबें उठाएं, ये मेरे पीछे आप सेट देख सकते हैं, ये बुखारी मुस्लिम का तीनों जिल्दें हैं, बुखारी की मुस्लिम की तीनों जिल्दें हैं, सीरत नबी के ऊपर एक किताब है, ये सारी किताबें मैंने रखी हुई हैं। किस किस वजह से? इस वजह से कि यार जो भी आलम-ए-दीन बात करता है उसकी तस्दीक आप खुद करें, मैं खुद तस्दीक करूँ, मुझे किसी हदीस का पता चला है, उलमाए किराम ने बता दिया है, खा वो किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखता है, तो मुझे अन्यवाह उसके ऊपर यकीन नहीं कर लेना चाहिए, मुझे थोड़ी सी तहकीक करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में भी फरमाया है कि मैंने आपको आँख कान और अक्ल इसलिए दिया है कि आप इसका इस्तेमाल करके हक बात तक पहुँचे, तो हमें भी हक बात तक पहुँचना चाहिए। इन उलमाए किराम के पीछे लगकर अपने ज़ाती रिश्ते, अपनी जो दोस्तों के साथ ताल्लुकात में बिगाड़, अपनी फैमिली के साथ बिगाड़ इस तरह का पैदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक इस तरह का होता है कि आप ना चाहते हुए भी इसके ऊपर जो है वो फिर आपका इख्तलाफ पैदा हो जाता है, क्योंकि हर बंदा जो है वो अपने मसलक का दिफा करता है, तो मसलक का दिफा करते करते फिर वो अपने करीबी रिश्तेदारों से भी उसके ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं। तो आप थोड़ी सी आदत अपनाएं और ख़ुद तहकीक का जो है वो शुरू करें, और ये आपको ख़ुद पता चल जाएगा कि झूठा कौन है और सच्चा कौन है। इसी तरह जब आप ये मनाज़रा देखेंगे, आप इन दोनों के अकायद को सुने सोशल मीडिया के ऊपर, सुनने के बाद आपको ख़ुद ही मालूम हो जाएगा, थोड़ी सी तहकीक कर लें कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा झूठा है या फिर मुफ्ती तारिक मसूद झूठा। मैं इन दोनों को झूठा नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं कौन होता हूँ, मैं आलम-ए-दीन नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ समझ लें कि दीन का, और अभी कोशिश कर रहा हूँ इस बारे इस राह पर चलने की। अल्लाह ताला हम सबको दीन का जो इल्म है इसको सीखने की तौफीक अता फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और ख़ुद से ज़्यादा दूसरों का भी। जब ये मुनाज़रा हो जाएगा इसके बाद मेरे चैनल से अटैच रहिएगा, मैं आपको इस मुनाज़रे की मुकम्मल डिटेल भी बताऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।